नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कैरिंग मॉम वर्ल्ड में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तों। आपकी प्रेगनेंसी में आप बहुत ही खुश होंगे और बहुत सी अच्छी चल रही होंगी आपकी प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन्हीं तीन बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में जो बहुत ही ठोस माने जाते हैं प्रेगनेंसी में आपके घर में एक लड़का होने पर। दोस्तों, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी ये तीन जो मोस्ट आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना, वही तीन सिम्टम्स को देख कर ज़्यादातर बता देती थी कि महिला को क्या होगा 9 महीने के बाद, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला बेबी बॉय का सिम्टम है दोस्तों, जो मुझे भी अपनी खुद की प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा दिखाई दिया था, इसलिए मैं ये सिम्टम है उसको 100 पॉइंट्स ज़रूर देना चाहूँगी दोस्तों। वो है आपके पेट का आकार। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बताती है कि अगर गर्भावस्था के दौरान आपका पेट है वो बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है दोस्तों आगे की तरफ, लेकिन उसका पूरा जो झुकाव है वो नीचे की ओर दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होगा। दोस्तों, आपको देखना है आईने में, चाहे किसी को पूछना है, अगर आपको वो बताते हैं कि आपका भी पेट बड़ा है और नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकती है कि आपको भी शायद एक बेबी बॉय हो सकता है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपके खाने को लेकर। दोस्तों, अगर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में दोस्तों बिल्कुल चटपटा मसालेदार या फिर चटपटा खाना ही पसंद है ना, तीखा मसाले वाला है ना, ऐसा अगर खाना पसंद आ रहा आपको, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा दोस्तों। और वहाँ सामने अगर आपको मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी गर्ल होगी, आपके घर आने वाला ना मेहमान है वो एक परी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी दोस्तों कि वो है आपकी नाभि की लाइन के ऊपर। दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के ऊपर एक लाइन बन जाती है पेट के ऊपर, तो वो आपको देखना है, अगर वो लाइन है वो नाभि के ऊपर से लेके नाभि के नीचे तक पूरी सीधी है, डार्क बनी हुई है ना, तो माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। और वहाँ वो अगर लाइन है वो आड़ी टेढ़ी है और हल्की हल्की है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी गर्ल होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे वो तीन सिम्टम्स जिसको आप सामने सामने चेक करके कुछ हद तक आइडिया से लगा सकती है कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप लड़का लड़की में कोई भेदभाव करें, हमारे लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को समान प्यार और अधिकार दोनों देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।